एस्ट्रोनॉट चांद से वापस लौटते ही धरती पर चलना क्यों भूल जाते हैं? खोज के दौरान ये साइंटिस्ट स्पेस में काफी दिनों तक रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि साइंटिस्ट को स्पेस में 6-6 महीने तक रहना पड़ता है। जब साइंटिस्ट स्पेस से लौटते हैं तब उन्हें रिसीव करने के लिए व्हीलचेयर का यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह चलना भूल चुके होते हैं और वह अपने पैरों पर एकदम से खड़े नहीं हो सकते। इसका रीजन ये है कि एस्ट्रोनॉट कई दिनों से स्पेस में तैर रहे होते हैं, क्योंकि स्पेस में अर्थ के कंपैरिजन ग्रेविटी 90% कम होती है। स्पेस में ना चलने फिरने की वजह से उनके पैरों के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस से लौटने के बाद कई महीनों तक चल नहीं पाते हैं। चांद पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है? एक ऐसा भी स्पेस मिशन था जिसमें एक भारतीय को चुना गया था, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो आज भी जिंदा है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा मीडिया पब्लिसिटी से दूर अपनी सादगी भरी जिंदगी कुन्नूर तमिलनाडु में बिता रहे हैं। स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा है, जो कि 1984 में स्पेस में गए थे। इस ऐतिहासिक स्पेस मिशन के साथ इंडिया स्पेस में मानव भेजने वाला विश्व का 14वां देश बन गया था। राकेश शर्मा ने स्पेस में लगभग 8 दिन बिताए थे। चांद के करीब जाने वाले इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा है, जो साल 1984 में मून मिशन पर गए थे। अब तक मून पर गए कितने एस्ट्रोनॉट ने मून पर कदम रखा है और मून पर गए कितने एस्ट्रोनॉट आज भी जीवित हैं? चांद की धूल की महक बारूद जैसी होती है। चांद का वजन 81 अरब टन है। 1950 में अमेरिका ने रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए मून को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई। अगर मून नहीं होगा तो अर्थ पर सिर्फ 6 घंटे के लिए दिन होगा। मून पर दिन में 134 डिग्री सेल्सियस और रात में 153 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मून पर भी भूकंप आते हैं, जिसे मून क्वेक कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इसरो का चंद्रयान मिशन सफल हो और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मून पर अब तक सिर्फ 12 एस्ट्रोनॉट गए हैं और वह सभी अमेरिकन हैं। मून पर कदम रखने वाले इन 12 लोगों में से 4 आज भी जिंदा हैं। स्पेस शिप को स्पेस में ले जाने वाला रॉकेट कहां गायब हो जाता है, लेकिन ये रॉकेट कभी वापस धरती पर नहीं आता। आखिर स्पेस में यह रॉकेट कहां रह जाता है? स्पेस शिप तो वापस आ जाता है, लेकिन रॉकेट नहीं आता है। स्पेस शिप और सैटेलाइट को स्पेस में रॉकेट के सहारे भेजा जाता है। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रॉकेट का एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है। जब आखिर में स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट से अलग किया जाता है तो रॉकेट का वो आखिरी हिस्सा स्पेस का कचरा बन जाता है, फिर वापस पृथ्वी के वायुमंडल में गिरते वक्त जलकर खत्म हो जाता है। इस तरह के रॉकेट कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। नासा का कोई भी यान अब तक कितने प्रकाश वर्ष की दूरी तक पहुंच चुका है? नासा का अंतरिक्ष यान अभी तक 1 प्रकाश वर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। नासा का सबसे दूर का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 21 जुलाई 2023 तक 24 बिलियन किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। यह अभी तक सिर्फ 0.0025 प्रकाश वर्ष के बराबर है। वॉयेजर 1 आने वाले 3 सालों में सोलर सिस्टम के सबसे भारी क्षेत्र ऊंट बादल तक पहुंच जाएगा। वॉयेजर 1 को 1977 में टाइटन E3 रॉकेट द्वारा आउटर सोलर सिस्टम के स्टडी के उद्देश्य से नासा द्वारा स्पेस में भेजा गया। यह नासा का सबसे लंबा मिशन है और करंट में यह इंटरस्टेलर स्पेस की खोज कर रहा है। इंटरस्टेलर स्पेस गैलेक्सी के इनसाइड तारों के समूह के बीच की जगह होती है। वॉयेजर 1 पृथ्वी से आने वाले ग्रेथिंग्स के साथ साथ हमारे प्लेनेट की इमेज और साउंड का रिकॉर्ड रखता है। उम्मीद है वॉयेजर 1 2025 तक डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा। गाइज, आप वॉयेजर 1 के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट करें।